Hi everyone, this is Mansi Khanna and आज की हमारी फ्रेंच की क्लास है पासे रेसों पे. इस लेसन के लिए मुझे रिक्वेस्ट की थी योगिता ने, निशा ने और कूल बॉय ने. तो आई होप कि ये लेसन देखने के बाद आपके डाउट्स अब पासे रेसों में नहीं रहेंगे. फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा. लेट्स गेट स्टार्टेड. Le passé récent est un temps du passé. Il exprime une action qui s'est passée juste avant le moment où on parle. Means, passé récent is recent past. Recent past, हम English में translate करके बता रहे हैं, but actually में, अगर हम English grammar के साथ compare करें, वैसे two languages can never run parallel. हर चीज का जो फ्रेंच में कोई चीज बोली गई है उसका एग्जैक्ट इंग्लिश इक्विवेलेंट होना जरूरी नहीं है, जैसे एग्जैक्ट इक्विवेलेंट इंग्लिश का हिंदी में भी जरूरी नहीं है. तो एनी टू लैंग्वेजेस कैन नॉट बी जस्ट पैरेलल, एक जैसा मीनिंग नहीं हो सकता. तो पासे रेसों जो रिसेंट पास्ट है फ्रेंच का, वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है इंग्लिश का. प्रेजेंट परफेक्ट हम किस चीज के लिए यूज करते हैं? जो चीज अभी अभी हुई है. जैसे आप आए मेरे घर और मैं आपसे पूछूं चाय पियेंगे, तो आप बोले मैं पी चुका हूं. आपने ये नहीं कहा मैंने पी थी. पी थी तो सिंपल पास्ट हो गया. मैं पी चुका हूं. आई हैव हैड टी. आई हैड टी नहीं बोला. तो समथिंग दैट हैज जस्ट हैपेंड. अब आपकी मम्मी कमरे में आई और उन्होंने आपसे पूछा पढ़ाई हो गई, तो आप बोलो हाँ मम्मी होमवर्क तो मैं कर चुका हूं. कर लिया था नहीं बोला आपने. कर चुका हूं मतलब अभी अभी फिनिश हुआ है. कोई ऐसी चीज, कोई ऐसा एक्शन जो अभी अभी फिनिश हुआ है, जिसका इफेक्ट अभी प्रेजेंट में ही है. आई हैव डन माई होमवर्क. आई हैव फिनिश्ड ईटिंग. आपको आपके फ्रेंड ने कहा हो किसी को कॉल करने के लिए और आप बोलो आई हैव कॉल्ड हिम. आई कॉल्ड हिम नहीं, मैं उसे कॉल कर चुका हूं. तो इस चीज को हम फ्रेंच में कैसे बोलेंगे सीखते हैं. की फॉर्मेशन फ्रेंच में बहुत ही सिंपल है. ये पासे कंपोजे जैसा मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है. इसमें क्योंकि डबल वर्ब कॉन्जुगेशन तो है, दो वर्ब्स तो लग रहे हैं, लेकिन दोनों वर्ब की डिफरेंट डिफरेंट कॉन्जुगेशन नहीं चल रही है. दिस इज क्वाइट सिंपलर दैन पासे कंपोजे एंड क्वाइट सिमिलर टू फ्यूचर प्रोश. अगर आपने फ्यूचर प्रोश की वीडियो नहीं देखी है तो वो भी लेसन अपलोडेड है, आप देख लेना जरूर. और फ्यूचर प्रोश में हम क्या करते थे, आले को कॉन्जुगेट करते थे. हमारा मेन वर्ब हम आले लेकर चलते थे, आले की कॉन्जुगेशन लिखते थे, और जो हमारा वर्ब होता था सेंटेंस में जिसको हमने फ्यूचर प्रोश में चेंज करना होता था, उसको हम इन्फिनिटिव में एज इट इज लिख देते थे. पासे रेसों में भी ऐसे ही होगा. पासे रेसों स्टार्ट करने से पहले, सबसे पहले आपको वेनीर की कॉन्जुगेशन आनी चाहिए, क्योंकि जैसे फ्यूचर प्रोश में आले कॉन्जुगेट होता था, पासे रेसों में वेनीर कॉन्जुगेट होगा. तो एक बार पहले वेनीर की कॉन्जुगेशन रिवाइज कर लें, और अगर याद नहीं है तो अभी अभी वीडियो को पॉज करके याद कर लें, ताकि जो आगे का लेसन है आपको अच्छे से समझ आ जाए. सो लेट्स रिवाइज द कॉन्जुगेशन ऑफ वेनीर इन प्रेजेंट टेंस. रुविया, चू विया, इल एल विया, नू वेनो, वू वेने, इल एल वियन. ओके, अब इसे नोट कर लें, वीडियो को पॉज कर दें, पहले याद कर लें, ताकि इस लेसन का आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिल सके, और वीडियो के खत्म होते तक आपके माइंड में पासे रेसों एकदम क्लियर हो जाए. तो अब वेनीर की कॉन्जुगेशन याद करने के बाद हमने लगाना सीखना है कि किसी भी सेंटेंस को पासे रेसों में चेंज करते कैसे हैं. फॉर्मेशन सब्जेक्ट प्लस वेनीर कॉन्जुगेटेड फॉर्म प्लस डीई और डी अपॉस्ट्रोफ प्लस वर्ब. ये टेक्निकली ऐसे समझ नहीं आएगा, एग्जाम्पल से समझ आएगा. देखिए, जो मोंज यून पॉम, आई एम ईटिंग एन एप्पल. ठीक है, अब मुझे बोलना है आई हैव ईटन एन एप्पल. तो सबसे पहला प्राइमरी रिक्विजिट क्या था, वेनीर की कॉन्जुगेशन. वेनीर को हमने ज के साथ कॉन्जुगेट किया, बिकॉज सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस इज ज. ज के साथ वेनीर को कॉन्जुगेट किया. द फॉर्मेशन सेज साथ में हम लगाएंगे डीई या डी अपॉस्ट्रोफ. डी अपॉस्ट्रोफ किस केस में लगता है, जब जो वर्ब है मेन वर्ब आगे का वो वोवल से शुरू हो रहा हो. यहां पर नहीं है इसलिए हमने डीई ही यूज किया है.
Je viens de manger une pomme. Venir को conjugate किया je के साथ, फिर हमने de add किया और जो main verb था sentence का, उसको infinitive form में लिख दिया. Infinitive form is unconjugated form. जैसे मैंने पहले videos में भी बताया है, वो का infinitive आले है, स्वी का infinitive एत्र है. हमने जो verb था sentence का, उसको infinitive form में लिख दिया and rest of the sentence remains as it is. So, I am eating an apple became, I have eaten an apple. Now, the point to be noted here is, ki future prosh mein ye de nahi lagta tha. Yahaan par venir ki conjugation ke baad de lagega, fir main verb infinitive mein lagega. Simple, isn't it? No finiso, notru davuar. We finish our homework. Now, I want to say, we have finished our homework. तो उसमें हम क्या करेंगे? Subject of the sentence is nu now. Nu के साथ venir को conjugate किया, de लगा और main verb जो है उसकी infinitive form, unconjugated form लगी and the rest of the sentence remains as it is. अब basic passé récent clear हो गया. अब हम उसको negative कैसे करते हैं, interrogative कैसे करते हैं और pronominal में कैसे use करते हैं ये सीखते हैं. Now, we have two examples, one of a normal present tense and one of a pronominal verb. Nous faisons une promenade and nous lavons. Ab, iske andar hum affirmative kaise karte hain, positively passé récent mein kaise karte hain, ye humne seekhi liya hai. To, nous venons, nous ke saath humne venir ko conjugate kar diya, de laga, fair laga. So, nous venons de faire une promenade. Similarly, in pronominal verb, nous ke saath humne venir ko conjugate kiya. Uske baad de laga, ab, because pronominal verb hai, to nous lavo tha, to humne usko, nous to as it is ra, conjugated hi rahega pronominal mein jo uska aage ka prono hai. Jo main verb hai, usko humne infinitive mein likh diya. Hum yahan pe sir lave nahi likhenge. Nous ke saath, uska jo pronoun hai nu hi likhenge lekin jo verb hai piche ka usko hum unconjugated form infinitive mein likhenge. Ab negation mein, ab hame pata hai ki negation mein verb se pehle na aur verb ke baad sa lagta hai, right? Nahi, negation mein conjugated verb se pehle na aur conjugated verb ke baad pa lagta hai. Here conjugated verb is venir now. Passé récent mein जब हमारे पास example था ये वाला, तब conjugated verb phase on था. अगर मुझे present tense को negate करना होता तो मैं इससे पहले न और इसके बाद पा लगाती. लेकिन passé récent में conjugated verb venir है, तो venir की conjugation से पहले न, उसके बाद पा and the rest of the sentence remains as it is. So nous venons de faire une promenade. हमने वेनो से पहले न और वेनो के बाद पा लगाया, it becomes nous ne venons pas de faire une promenade. Similarly, pronominal में भी same चीज, conjugated verb कौन सा है? Venir. So, nous ne venons pas de nous laver. Venir के आगे हमने न, उसके बाद पा and the rest of the sentence remains as it is. अब interrogative में passé récent कैसे करते हैं? Question कैसे बनाते हैं? क्वेश्चन बनाने के तीन तरीके हैं इंटरोगेशन के, इंटोनेशन, एस्क और इन्वर्जन. आई होप कि आपको क्वेश्चन बनाना तीन फॉर्म्स में आता है. अगर नहीं आता तो डू लेट मी नो, प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन, आई श्योरली मेक अ वीडियो ऑन दैट आल्सो. सो इंटरोगेटिव में हम सीख रहे हैं इन्वर्ट कैसे कर रहे हैं passé récent. अब कॉन्जुगेटेड वर्ब कौन सा था? वेनीर. तो वेनीर की कॉन्जुगेशन सब्जेक्ट से आगे आ गई. दिस वॉज द एग्जाम्पल इन passé récent. अब इसको हम आगे ले गए, तो दिस कम्स हियर बिफोर नू एंड इट बिकम्स वेनो नू द फेयर इन प्रोमेनाड, रेस्ट ऑफ द सेंटेंस रिमेन्स एज इट इज. सिमिलरली प्रोनोमिनल वर्ब में हमने वेनो को ही आगे लाए एंड द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस रिमेन्स एज इट इज, जो हमने नॉर्मल passé récent में किया था. तो इसी तरीके से सिमिलर लाइन्स पे हमारे पास कोई भी वर्ब आ जाए, कोई भी प्रोनोमिनल वर्ब आ जाए, तो हम इसी तरीके से उसको कर लेंगे. अगर आप ये टेबल भी अच्छे से याद कर लेंगे तो इन रूल्स के हिसाब से आप ऑटोमेटिकली फिगर आउट कर लेंगे कि जो भी क्वेश्चन में सेंटेंस है उसको रीसेंट पास्ट में कैसे कन्वर्ट करना है.
सो गाइज आई होप कि अब पासे रेसां भी आपको क्लियर हो गया होगा एंड अगर अभी भी कोई डिफिकल्टी है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स और ऐसा कोई और टॉपिक है जिसपे आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं तो डू लेट मी नो आई विल श्योरली ट्राई टू मेक द वीडियो ऑन दैट ऑल्सो एज सून एज पॉसिबल एंड नॉलेज इंक्रीजेस बाय शेयरिंग नॉट बाय सेविंग ज्ञान बांटने से बढ़ता है बचाने से नहीं तो इसलिए अगर आपको ज्ञान मिला है अगर आपको कोई बेनिफिट मिला है वीडियो से तो डू लेट अदर्स नो ऑल्सो ऑफ योर बैच ऑफ योर क्लास सो दैट दे कैन ऑल्सो गेट द बेनिफिट डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब थैंक यू सो मच